ऑस्कर्स, फिल्म फेयर और स्क्रीन अवार्ड्स के बाद अब वक्त आ गया है गोल्डन केला अवार्ड्स का। ये वो अवार्ड हैं जो साल की सबसे बुरी फिल्मों को दिए जाते हैं, और इस बार डायरेक्टर साजिद खान की सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म हमशक्ल्स 5 नॉमिनेशंस के साथ 7वें एनुअल गोल्डन केला अवार्ड्स में सबसे आगे है। इसके अलावा प्रभु देवा की एक्शन जैक्सन को 4 नॉमिनेशंस मिले हैं। ये अवार्ड अमेरिका में होने वाले गोल्डन रेसबेरी अवार्ड्स का इंडियन वर्जन है। सैफ अली, रितेश देशमुख, बिपाशा बासु, तमन्ना भाटिया और राम कपूर की फिल्म हमशक्ल्स सबसे बुरी फिल्म, सबसे बुरे डायरेक्टर, सबसे बुरे एक्टर, सबसे घटिया डायलॉग्स और बावरा हो गया है के अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई है। अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा स्टारर एक्शन जैक्सन को भी सबसे बुरी फिल्म, सबसे बुरे डायरेक्टर, सबसे बुरे एक्टर, सबसे बुरी एक्ट्रेस के अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमशक्ल्स और एक्शन जैक्सन के अलावा सलमान खान की किक, ऋतिक रोशन की बैंग बैंग और शाहरुख की हैप्पी न्यू ईयर को भी सबसे बुरी फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेशंस मिले हैं। 7वें गोल्डन केला अवार्ड्स होने वाले हैं 14 मार्च को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में।